हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशबू के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये देखिए, आप सभी को ये सब सामान बिखरा हुआ दिख रहा होगा क्योंकि आज अमन के ससुराल वाले आ रहे हैं सामान लेने के लिए। ये देखिए, सब सामान हम लोग ने निकाल दिए यहाँ पे। ये सब सामान निकला हुआ रखा है, ये देखिए, ये सब सामान निकल रहा जा चुका है। और ये देखिए, हनीफा इधर देखे, हाय। और ये माशा है, देखिए कितनी गर्मी में सब बच्चे परेशान हैं। ये देखिए, सब सामान रखा हुआ है, वो लोग आ रहे हैं सामान लेने। जब सामान लेते लेने आते हैं उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा गैस रखा है, इधर पीछे रखा हुआ है सामान जाने वाला। ये सब सामान जाने वाला रखा है, ये सब सामान चला जाएगा, पूरा घर खाली हो जाएगा। यहाँ पे सामान रखा है, और दिखाते हैं आप सभी को चल के। ये चार हमारे तस्वीर रखी है, हाँ रहने दिए। और ये देखिए, आप सभी को दिखाते हैं बाहर कमरे में पूरा सामान रखा है, चेपो चेपो भाई। ये देखिए, अंदर जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये है अमन का सोफा, इतना बड़ा सा, और इस पे कागज रखा है। ये देखिए, मेज की, अमन की दहेज की क्या हाल हो गई है। एक महीने पहले से आई हुई रखी है तो धूल जमा हो गई है। ये देखिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब सामान इधर रखा हुआ है। ये देखिए, पूरा रूम भरा पड़ा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बट समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जब सामान निकल के डाले में जाएगा तब आप सभी को दिखाएंगे, ऐसे समझ नहीं पाएंगे। चलिए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा ईंट बिछ के थोड़ा सा सही हो गया है, और अब चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुके हैं सामान लेने के लिए। ये देखिए, यहाँ पे बेड निकल चुका है, कितना प्यारा बेड है। ये फ्रिज रिज है, और ये देखिए रखा जा रहा है इस पर सामान। ये देखिए, सब सामान लग रहा है कैसे, और हम चलते हैं अंदर। ये देखिए, दारू बिस्कुट रखा है, कोल्ड ड्रिंक। ये देखिए, सब सामान आ चुका है निकल के बाहर। ये देखिए, एक ले गए शीशे वाला, तीन है ना, दो है। ये देखिए, सब सामान, हाँ। और अभी अंदर भी तो रखा है थोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पूरा डाला भर चुका है, और अब आएगा दूसरा डाला, उसमें भरा जाएगा। ये देखिए, बांधा जा रहा है सामान। हेलो, और एक डाला जा चुका है, अब आ रहा है दूसरा डाला। अब दूसरे डाले में सामान रखा जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सामान सब बिखरा हुआ है जाने के लिए।